अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी करो या मरो की लड़ाई। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस भिड़ेगी पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से। दांव पर है रविवार को होने वाले महामुकाबले की हॉट सीट। सोशल मैचों में लगातार जीत के बाद एमआई का कॉन्फिडेंस हाई है। एलिमिनेटर में एमआई ने एलएसजी को जोरदार टक्कर दी और 81 रन से जीत दर्ज की। ये इनकी इस सीजन की सबसे बड़ी जीत है। ये पांच टाइटल जीती हुई टीम है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ी हार थमा दी गई है। 2017 के बाद से रोहित की पलटन ने प्लेऑफ्स के मैचेस में लगातार सातवीं बार जीत दर्ज की है। वी न्यू दैट वी हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू यू नो कंपेयर टू व्हाट happened in the last season, but you know we managed our work through it, you know we scrambled through it, so it was good to see everyone you know contributing on the field, and we knew coming to Chennai it's not going to be a one man who's going to take us through, it's going to be the whole unit who needs to come to the party and deliver at different point in time. जीटी को चिपॉक में मिली हार से उबरना होगा। जीटी ने चिपॉक में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, उसे विनिंग फॉर्म में वापस आना होगा। टेबल टॉपर्स को बाजी पलटना बखूबी आता है। रिग्रेट्स आर नॉट गुड इन लाइफ, सो ओवरऑल आई थिंक इन बोथ डिपार्टमेंट्स वी डिड नॉट डू द राइट थिंग। गिव इट अ ट्रैक अगेन एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज के इस मुकाबले में शुभमन गिल और एमआई के वंडर बॉय आकाश मधवाल की टक्कर पर सबकी नजर होगी। इस सीजन गिल ने अब तक 722 रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप से महज 9 रन दूर है, जबकि मधवाल ने एलिमिनेटर में अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए 5 रन देकर 5 विकेट लिए और इनकी पिछली भिड़ंत में गिल को सस्ते में आउट किया था। साथ ही मुंबई की सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और ईशान किशन पर भी नजर जमाए रखिएगा। इस जोड़ी ने इस सीजन में 9 के रन रेट से 504 रन बनाए। उन्हें रोकने की जिम्मेदारी होगी पर्पल कैप होल्डर मोहम्मद शमी पर, जिन्होंने 26 में से 15 विकेट पावर प्ले में लिए हैं। कमाल की है गेंदबाजी मोहम्मद शमी द्वारा। जीटी के गेंदबाजों को स्काई का वो शतक जरूर याद होगा जो उन्होंने इन टीम्स की पिछली मुलाकात में बनाया था। आदर करो, सत्कार करो, सूर्य को नमस्कार करो। इस सीजन 25 विकेट लेने वाले राशिद खान ने 9 T20 इनिंग में एक बार भी उन्हें आउट नहीं किया है। वो इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेंगे। जीटी के पावर हिटर्स को बेअसर करने के लिए एमआई को अपने स्पिन जीनियस पीयूष चावला से काफी उम्मीदें होंगी। 21 विकेट लेने वाले पीयूष के लिए ये सीजन अब तक का बेस्ट सीजन रहा। जबरदस्त गेंद, पहली गेंद पे सफलता पीयूष चावला। फाइनल में जगह बनाने का ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्या टाइटंस को मिलेगा होम एडवांटेज या एमआई और सीएसके के बीच होगा पांचवां फाइनल?